तू नहीं मानेगा, पागल होने से उठ के आया है क्या तू आज? ये सोफा दिख रहा है, ये देखो शीलू के काम। रुको 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 रुको, ये देखो शीलू के काम, एक और ये दो। इसने यहाँ खा रखा, खा के फेंक रख। अब यार शीलू तो चला गया, वो जा चुका है, 11:30 बजे शायद वो गया था। अब शाम को वो 6 या 7 बजे आएगा। तो जब मैं आई थी ना यहाँ पे जोधपुर, तो उस दिन मैं आई थी मंडे को, उसी दिन सुबह सुबह थोड़ी देर बाद, मेरे आने के थोड़ी देर बाद ही शीलू के पास, शीलू के सर का मैसेज आ गया था कि आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन की छुट्टी है। और आज आज है थर्सडे, आज वो गया है और आज वो लंबा ही निकल गया। अभी बज रहा है 1:15 और वो आएगा शाम को 6-7 बजे। भाई मैं तो बिल्कुल बोर हो लूँगी तब तक। मतलब हैं बुआ भी है यहाँ पे, सन्नी भी है, पर मैं ज़्यादा शीलू के साथ ही रहती हूँ ना, शीलू और मैं ज़्यादातर साथ में रहते हैं। और कल से वो और भी लेट आया करेगा, नहीं मतलब आएगा उसी टाइम पर, पर जाया करेगा जल्दी। पर मैं उसको समर को लेके आ जाऊँगी, उसके साथ खेल लूँगी। और वो ऐसे हो गया, मैं बैठा हुआ था टीवी देख रहा था कि मेरे को कार्टून देखना है, कार्टून कर रहा, तो उसका कार्टून चला दिया, उसको यहाँ पे सोफे पे मैंने साइड में बैठा दिया, वो नहीं बैठा, ठीक है। फिर यहाँ पे शीलू बैठा हुआ था, वो उधर जाने के लिए कहने लगा, वो वहाँ भी नहीं बैठा, आके बिल्कुल यहीं बैठा है मेरी गोदी में। वो जाता ही नहीं, उसको पता नहीं क्या आदत सी पड़ी हुई है, यहीं आके बैठेगा वो गोदी में, इधर उधर कहीं बैठता ही नहीं है। बैग में अपने बैग में धर रखे हैं ये, अरे राम इसे हटा देख लो इसे। पागल ले ओ मटर से वापस चला जा, घंटे बाद वापस आता है। सुबह से मैं कसन्नू के पास बैठेंगे और कह रहे इतनी जल्दी में 1 घंटे में वापस आता हूँ। क्यों पहले दिलाई, किसने दिलाई? देखो हम लोग आए हैं यहाँ जलेबी लेने और मैं पहन के आई सन्नी की जैकेट। पूरा ऐसा हो रखा है जैसे कि बोरा पहन रखा हो मैंने, पूरा बोरा। खड़ा यहाँ शीलू, 8 बजे तक लॉकडाउन तो है ही है। चीची ओ हुआ था, मुझे क्या पता, माफ कर, प्याज की कचौड़ी है ना ये। हाँ परवारी कोई भी है तो हेलमेट रखो ही, काई को उधर इस तरफ। चाबी कहाँ लेके गया? टोलू। हैं? टोलू। चीलू। पकड़ ले मोर। नहीं। नहीं। तो फिर चिपक रहा है ऐसे। कहाँ जाना है? टोलू। चीलू स्कूटी ले गया ना चीलू? हाँ। स्कूटी ले गया? हाँ। अब कहाँ चले? चाबी कहाँ है? टोलू। मैं तो नहा ली और यहाँ इतनी बढ़िया धूप हो रही है ना, सही में हमारे गाज़ियाबाद में तो मतलब मम्मी से जैसे मेरी बात होती है, मम्मी से गुनगुन से, वो लोग बोलते हैं बिल्कुल धूप ही नहीं है, ठंड लग रही है बहुत, मतलब ठंड है काफ़ी यहाँ, और यहाँ तो इतनी धूप निकल रही है, मज़े ही आ रहा है। अभी उधर बुआ बैठी हुई है वहाँ साइड में, और अब शीलू भी जा चुका है, अब आएगा वो 6-7 बजे, पता नहीं कब आएगा। और दोनों नहीं, ब्लैक एंड वाइट है ना, आंख देखो इसकी, देखो भाई कैसे कर रहा है ये। अच्छा इधर देख भाई, से एकदम से इतनी गर्मी लगी, देखो क्या पहन के आया ये। तो
अब हम लोग जा रहे हैं साइड में, एक भाभी उनका बर्थडे है तो उसमें हम लोग जा रहे हैं, और बाय चांस अच्छा हुआ कि मैंने ये टॉप रख लिया, मतलब ठीक ठाक है, बर्थडे के लायक है, वरना मैं तो ऐसी नॉर्मली कपड़े लेके आई थी जैसे हम लोग घर में पहन के घूमते हैं ना ऐसी। अच्छा हुआ ये मैंने रख लिया। तो अभी मैं वहाँ पे जाके आपको दिखाती हूँ, अगर मैंने कुछ शूट वैसे मैं कर नहीं पाऊँगी, और अगर मैंने किया तो फिर दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत दिखाऊँगी बस। ए समर, ओ समरे, ओए इधर इधर, गेट में कैसे देख रहा है? अरे अभी बताती हूँ, रुक जा, ले जल्दी, ले चाबी, कितनी जल्दी देखिए पूरा हप्पा ही है कहता नहीं बस इतना से ही दबाना है हर बार ये चली हुई है वीडियो, अगर तुझे दिखाई दे रही हो तो देख 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 देख, चला हुआ है देख ले, देख इतना मोटा वो मसल रखा। ये वीडियो में पापा को दिखाऊंगी इसी दिखा दियो, मैं वहां पे थोड़ी रहूंगा, यहाँ तो आएंगे ना पापा, तब दिखा दियो, तू नहीं मानेगा, पागल होने से उठ के आया है क्या तू आज? यू मुझे लगा आज ही आकर हाथी पावन में से ना, मुझे लगा पसीना भी ना छूटा हुआ, मुझे लग रहा है वहां से कहनी पड़ेगी यहाँ से भैया काम लिए ज्यादा दियो, हमें घर आकर तंग करे सिर्फ और सिर्फ एक मक्खन लेने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ रिलायंस ट्रेंड्स में। अब यहाँ पे शीरू और मैं आए हैं, यहाँ रिलायंस है ये तो, क्योंकि यहाँ जो इनके घर के पास में जो शॉप्स है ना वहाँ पे मक्खन ही नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक मक्खन लेने के लिए आए हैं। यहाँ जोधपुर में ये तो बहुत दिक्कत है, और कुछ हमारे गाज़ियाबाद में जैसे मिलती हैं ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं चिल्ली पटेटो वगैरह, यहाँ पे वो भी नहीं मिलता। गाइस मैं बहुत बोर हो रही हूँ और चीनू देखो क्या देख रहा है, गोपी बहू कतई ज़्यादा बोर हो रही हूँ मैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। एक तो इतनी सारी इडली खा ली, उससे मेरा पेट पूरा भर गया इतना ज़्यादा, और पेट इतना भर गया तो नींद इतनी आ रही है, और मैं बोर इतनी ज़्यादा हो रही हूँ, और मुझे गुस्सा आ रहा है पता नहीं क्यों, मैं करूँ तो करूँ क्या? बेवकूफ़ को देखो, इसकी हरकतें नहीं ख़त्म हो रही जब से ये आया है क्या करूँ